हमारे राजस्थान के करौली जिले के टूलपुरा गांव में गुर्जर आंदोलन 21 दिसंबर से चल रहा है। इस आंदोलन के चलते हुए मुझे और मेरे समाज में रहने वाले लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गुर्जर जो हैं जंगलों में रहने वाले जाति के लोग हैं, जिनमें गुर्जर, रेवाड़ी, बंजारे, गाड़िया लोहार शामिल हैं। इनके पास खेती व पशुपालन का काम ही है। यह अपने आप को विशेष पिछड़ा वर्ग मानते हुए 5% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। गुर्जर आंदोलन की शुरुआत कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के नेतृत्व में शुरू हुई है। गुर्जरों ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर रखा है, सभी रास्ते बंद हैं, सारी रोडवेज बस डिपो में खड़ी हुई है। किसानों की खेती भी सूखने लगी क्योंकि डीजल कहाँ से लाएं, लाइट की पूर्ति भी नहीं हो पा रही थी। आइए आपको बताती हूँ हमारे आसपास के गांव के लोगों एवं आम समाज के लोगों पर क्या बीत रही है। गुर्जर आंदोलन से हमें बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे जो ज़्यादा समस्या आज आ रही है, सिलेंडर 700-800 रुपये के ब्लैक से मिल रहे हैं। आवागमन की समस्या है, दूध की समस्या है, सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं, आकाश को छू रही हैं, और जो हमारे बीमार लोग हैं उनको सही सुविधाएं, चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही हैं। बच्चों को ट्यूशन के लिए और शिक्षा के लिए बहुत समस्याएं खड़ी हो रही हैं। यही आ रही सबके, आटा मिल नहीं रहा है और सब्जी मिले नहीं, पैदल आना पड़ रहा है। वो बाजार खुला मिलता है? नहीं मिला कुछ। सारी तकलीफ की परेशानी, मतलब कोई साधन नहीं है बिल्कुल, एक ही बस चलती है वो भी बंद है। मैं एक गुर्जर आंदोलन के कारण इतनी परेशान हो रही हूँ कि एक कप चाय भी नहीं पी सकती, क्योंकि दूध का भाव 50-60 रुपए किलो हो रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। रास्ते चारों तरफ बंद हैं, सब्जियों के दाम 4 गुना बढ़ चुके हैं। उसका कारण है कि बाहर से ट्रक गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, मार्केट पूरा बंद रहता है। मेरे बच्चों की शीतकालीन अवकाश है, उसके बावजूद भी मैं अपने बच्चों को लेकर मायके नहीं जा पा रही हूँ। यहाँ तक है कि मोटरसाइकिलों को भी नहीं निकालने दिया जा रहा है रास्तों से, और गुर्जर आंदोलन का फायदा गुर्जरों को होगा और इसका नुकसान आम जनता को हो रहा है। सुनीता कसेरा, इंडिया नर्ड के लिए।